हेलो दोस्तों, आप सभी को राम राम सीताराम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग मस्त और स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज हमारी मूसली फाइनली गुड़ाई के लिए हो गई है। गुड़ाई के लिए दो दिन पहले हो गई थी, लेकिन मौसम की वजह से नहीं। आज थोड़ा मौसम खुला है साफ, तो देखिए वहां पे लेबर चलाई है, चली हुई है और आज गुड़ाई कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं फिर। तो दोस्तों, गुड़ाई बहुत ज़रूरी है, वो भी 15 से 20 दिन के अंदर गुड़ाई जरूरी है। और वो भी आपको खरपतवार के हिसाब पे भी डिपेंड करता है। खरपतवार ज़्यादा अगर हो रहा है तो आप 15 दिन का वेट नहीं कीजिए, 15 दिन से पहले भी करना जरूरी है। और अगर जैसे खरपतवार कम है तो फिर आप, और एक बात और ध्यान रखनी है कि जो पत्ते जो हैं ज़्यादा बड़े हो जाएंगे तो फिर गुड़ाई नहीं होती है, फिर वो तकलीफ देती है। इसलिए जब ये छोटे छोटे पत्ते होते हैं जिस तरीके से, तभी गुड़ाई इसकी ज़रूरी है। वैसे तो हमारी गुड़ाई 10 दिन पहले, मतलब 3-4 दिन पहले होनी थी, लेकिन बारिश की वजह से नहीं कर पाए तो अभी कर रहे हैं। तो ठीक है, तो आप लोग को भी इसी तरीके से गुड़ाई करने का बहुत मतलब वो होता है, उससे काफ़ी कूड़ा जो है ख़त्म हो जाता है, काफ़ी कचरा दोबारा नहीं जमता है गुड़ाई करने से। ठीक है, तो आज हमारी गुड़ाई स्टार्ट हो गई है और किस तरीके से गुड़ाई करनी चाहिए और किस प्रकार से करनी चाहिए, ठीक है, चलिए हम आपको दिखाते हैं। और वीडियो दिखाने से पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें। ठीक है दोस्तों, चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं फिर। तो दोस्तों देखिए, इस तरीके से आप लोग को गुड़ाई करनी है और गुड़ाई करने के बाद देखिए बेस्ट कितना अच्छा दिखने लगता है। मतलब गुड़ाई के बाद ही मूसली बहुत अच्छी दिखती है, मतलब बेस्ट। गुड़ाई से पहले तो पता नहीं किस तरीके से दिखते हैं, समझ में नहीं आता कि इसमें क्या है, कचड़ा है कि मूसली है, कुछ समझ में नहीं आता है, लेकिन गुड़ाई होने के बाद ही पता चलता है। तो फाइनली आज स्टार्ट होगी गुड़ाई और शायद 2 से 3 दिन लग जाएंगे। अगर बारिश नहीं हुई तो कल या परसों में फ्री हो जाएंगे, अगर बारिश हो गई तो फिर वेट करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो में बने रहें और वीडियो में और भी दिखाएंगे फिर किस तरीके से। अभी तो स्टार्ट हुई है, जब सारा बेड्स हो जाएगा वहाँ तक पूरा, तब कितना अच्छा दिखेगा। तो देखिए ये इन बेड्स की गुड़ाई हो गई, तो देखिए कितने अच्छे दिखने लगे हैं। देखिए जो गुड़ाई हो गई है, तो देखिए इस तरीके से खरपतवार सारा निकाल लेना। देखिए देखिए गुड़ाई होने के बाद इस तरीके से नाली में ये कचरा डाल देना है, नाली का भी थोड़ा थोड़ा पटा लेना है। देखिए देखिए गुड़ाई होने के बाद कितना अच्छा बेड्स दिखने लगता है, बहुत अच्छा क्लियर। देखो कितने जल्दी जल्दी उखाड़ रही है, देखो देखो ये देखो पाइप नहीं तोड़ी है, देखो पाइप पे बैठी देखो इस तरीके से दिखाना थोड़ी, ये पंजी दिखाओ, ये देखिए ये बना के रखी है, बनी डली है 8, वे तो हम गए नहीं है घर वहां पे। देखिए इस तरीके से ये पंजी है और इस पंजी से हम निंदाई और गुड़ाई दोनों साथ में हो जाती हैं। देखिए देखो इस तरीके से ये पौधा बचा के थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का करते जाना है। हमने 3 वाली बनवा रहे हैं, हम 4 वाली ज्यादा भी हो चौड़ी हो जाती, जी तो 4 वाली ना मका के लाना सही है। देखिए इस तरीके से पंजी से, जो बड़ा कूड़ा रहता है उसको हाथ से उठा लेना है, बाकी खाली जगह है उसमें थोड़ी सी कुदाल मार देंगे तो उससे क्या दूसरा कूड़ा फिर होता नहीं जल्दी। आप लोग को भी इसी तरीके से करना है। देखिए गुड़ाई होने के बाद फिर देखिए बेड्स कितने अच्छे दिखने लगते हैं। देखिए अभी गुड़ाई होने के बाद फिर इसमें 10 दिन 1 हफ्ते बाद फिर निंदाई होनी है, अगर कूड़ा हुआ ज़्यादा तो। अगर इससे जल्दी हुआ तो फिर जल्दी करनी है, अगर नहीं हुआ जल्दी तो फिर जितने दिन में होगा कूड़ा उतने दिन में करनी है फिर। देखो छोड़ तो आए हैं अभी, अरे नबी बोल रही उनने कही चंद कान ने। तो दोस्तों देखिए ये बेड्स वहां तक गुड़ाई हो गई है, देखिए वो उतना। तो गुड़ाई होने के बाद देखिए कितने अच्छे दिख रहे हैं। देखिए गुड़ाई होने के बाद ही सफेद मूसली का सबसे अच्छा पता चलता है। ठीक है देखिए किस तरीके से, देखिए गुड़ाई होने के बाद कितना अच्छे दिख रहे हैं। देखिए बहुत अच्छे दिखते हैं गुड़ाई होने के बाद, तो सफेद मूसली की फसल तो गुड़ाई होने के बाद ही परफेक्ट लगती है। देखिए
तो आप लोग को भी इसी तरीके से गुड़ाई करनी है। देखिए पूरी सारी गुड़ाई कर लेनी है अच्छे से, और एक गुड़ाई होने के बाद तो फिर निंदाई के लिए उतना नहीं रहता। अगर एक बार अच्छे से गुड़ाई कर ली तो देखिए गुड़ाई करने के टाइम सारा खरपतवार हटा लिया हमने एक एक करके। थोड़ा समय लग जाता है लेकिन देखिए, तो एक दिन में दो लोगों ने सिर्फ एक ही बेड्स अभी कंप्लीट नहीं कर पाया अभी तक। देख वहां पहुंचे अभी शायद 2 घंटे और लग जाएंगे। ठीक है दोस्तों आप लोगों ने देखा हमारी वीडियो में किस तरीके से हमने गुड़ाई कर रहे हैं और चल रही है गुड़ाई। देखिए गुड़ाई होने के बाद तो एक नंबर बेड्स लगते हैं और बहुत पूरा इतना लंबा बेड्स जो है ना दो लोग एक दिन में कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक हुआ नहीं है पूरा लेकिन हो जाएगा लग रहा है अगर मौसम सही रहा तो, क्योंकि मौसम बन रहा है बारिश का। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरीके से आप लोग को भी गुड़ाई करानी है और अच्छे से एक बार गुड़ाई हो गई तो फिर निंदाई की जरूरत नहीं पड़ती। बहुत कम हल्का फुल्का फिर इतना समय नहीं लगता है, पहली बार गुड़ाई में थोड़ा समय लगता है। और सफेद मूंछली की फसल है ना गुड़ाई होने के बाद ही अच्छी दिखती है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें। ठीक है दोस्तों, और देखिए हालत देखिए हमारी, क्योंकि हम भी गुड़ाई कर रहे थे, देखिए हाथ देखिए मिट्टी लगी हुई है। ठीक है, मैं गुड़ाई करने के साथ साथ में थोड़ा थोड़ा वीडियो बना के फिर आप लोग तक जानकारी देता रहता हूँ। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राम राम सीताराम।